स्किलफुल एक्शन करते हैं वो योगा है। एक में बहुत अच्छा सा क्लीन ऑपरेशन कर रहा है वो भी योगा है। एक आदमी दूसरों को तकलीफ नहीं कर रहा है, छीन कुछ चोरी नहीं कर रहा है, डकैती नहीं डाल रहा है, किसी का मर्डर नहीं कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, उतना ही योगा है आपके लिए, आपके सराउंडिंग एनवायरमेंट के लिए। तो बीच वाला व्हाइट स्ट्रक्चर प्योर मेडिकल प्रैक्टिस, उसके आजू में जो डाउनवर्ड ट्रायंगल है हर्बल प्रिपरेशन आयुर्वेदा, इंडिया के हिसाब से आयुर्वेदा, जो भी मेडिकली अवेलेबल डिसीज के लिए हर्बल प्रिपरेशन यूज कर सकते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स हर टाइम पे हम लोग नहीं देंगे, शुंठी का जो जिंजर का कषाय देंगे वो एंटीबायोटिक्स की तरह एक्ट करेगा। ये फनी लगेगा, आपके कैप्सूल फॉर्म में नहीं है लेकिन इफेक्ट उससे भी ज्यादा है, एंटीबायोटिक्स से भी ज्यादा है। तो उसके सराउंडिंग में और एक अपवर्ड ट्रायंगल है, उसका ऑरेंज कलर का रंग है, वो उसका मतलब है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अध्यात्म और योगा, अध्यात्म और आयुर्वेदा का सामीप्य। ये जो स्ट्रक्चर है हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बोले तो स्टेबल स्ट्रक्चर जिसके छह एरियाज हैं, ट्रायंगल्स हैं। डाउनवर्ड ट्रायंगल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, नहीं तो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल एनर्जी शक्ति, शिव शक्ति में से शक्ति। अपवर्ड ट्रायंगल है फायर को रिप्रेजेंट करता है, मेल एनर्जी शिवा, शिवा एनर्जी शक्ति एनर्जी। ये जो सराउंडिंग आठ पेटल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेटल्स जो लोटस के जो पेटल्स रहते हैं उसका हम लोग प्योरिटी का संकेत मानते हैं, प्योर। अष्टांग योगा, अष्टांग आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के आठ ब्रांच हैं, योगा के आठ स्टेप्स हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ज्ञान समाधि ऐसे। तो ये हमारा लोगों का मकसद है। और जो पॉइंट जो मिलता है छह पॉइंट यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा, वो सप्त धातु में से एक छह पॉइंट आएगा, इसमें लास्ट वाला बिंदु दिखाई नहीं देगा, वो सातवां धातु, सातवां जो हम लोग बोलते हैं सप्त धातु। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन ये कंप्लीट क्या रिप्रेजेंट करेगा मेडिकल के हिसाब से बोलना चाहते हैं तो इक्विलिब्रियम, नहीं तो होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस इट रिप्रेजेंट। वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाओ, एक हमारा कॉन्सेप्ट है माय योगा, मेडिकल योगा हम लोग क्यों रखें, यूजली बहुत सारे योगा टीचर्स योगा बताते हैं, अभी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मेडिकल डॉक्टर के साथ में योगा टीचर मिल के आपको कुछ बता रहा है, आपका कुछ बैक पेन है, एक्सरे लिया, मेडिकेशन जितना चाहिए आपको दे दिया, 5 दिन का मेडिसिन ले लिया, उसके बाद में बैक मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए जो योगा आसन कर सकते हैं, योगा टीचर डॉक्टर के साथ परामर्श करके डिजाइन करेगा योगा, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे मेडिकल योगा। इंटीग्रेटेड मेडिसिन, यहाँ पे डिपार्टमेंट में आयुर्वेदा के डॉक्टर्स भी हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर्स भी हैं, योगा के भी हैं, तो जो आदमी के लिए, जो औरत के लिए जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन ज्यादा कारीगर होगा वो अडॉप्ट करेंगे। डिफरेंसेस कुछ नहीं है, इमरजेंसी में हम लोग एलोपैथी यूज करेंगे, उसका कोई स्किन का प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, आयुर्वेदा थोड़ा ज्यादा हेल्प करेगा, आयुर्वेदा यूज करेंगे, श्वास उठारा रसा, नहीं तो तुलसी, आपने तुलसी का दिया, तुलसी में मेडिसिनल प्लांट क्वालिटीज 55 से ज्यादा है, 55 से ज्यादा मेडिसिनल क्वालिटीज है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो एंटी डायबिटिक, एंटी कोलेस्ट्रॉल, एंटी कैंसर, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, तो इम्यून बूस्टर, कैंसर प्रिवेंटिंग, बहुत सारी चीजें हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग को क्या चाहिए, अच्छा पैक चाहिए, कैप्सूल में चाहिए, तभी हम लेना पसंद करते हैं। तो हमारा ये थोड़ा माइंडसेट हमको चेंज करना है, इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट है माय एम मेडिकल योगा आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इंटीग्रेटेड मेडिसिन का मतलब है, आप एक वर्ड आपको याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रहे या रहे पता नहीं, लेकिन इंटीग्रेटेड मेडिसिन आपको याद रखना है। वर्ल्ड वाइड में इंटीग्रेटेड मेडिसिन इसको की वर्ड बोलते हैं, की वर्ड एक की वर्ड है, क्या है इसका मतलब, जो बेस्ट ऑफ द अल्टरनेटिव फॉर्मेलिटीज ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ थेरेपीज है, आयुर्वेदा है, योगा है, एक्यूपंक्चर है, मसाज का टेक्निक है, कोई हीलिंग का टेक्निक हो, मेडिटेशन का टेक्निक हो, जो मेडिक वो आदमी के हिसाब से, जो डिसीज के हिसाब से हम लोग स्ट्रीमलाइन करके यूज करते हैं, यूज करेंगे, तो उसको इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं। इनडायरेक्ट कोरिलेशन इसको होलिस्टिक मेडिसिन भी बोल सकते हैं।
आपके बॉडी माइंड और स्पिरिट को हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो अभी मेरा बात ही सुनना है और आपको कुछ टेक्निक्स भी करना है। तो ऐसे करेंगे हम, मैं आपको ये मोनोलॉग नहीं चाहिए, मैं ही बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। आपका कुछ तकलीफ है तो मुझे बता सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इसके रिलेटेड मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने लोगों को डायबिटीज है, यहाँ पे कितने लोगों को बैक पेन है, यहाँ पे कितने लोगों को नेक का पेन है, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग कंप्यूटर के सामने वर्क करते हैं बहुत ज्यादा, ओके देखो कितने हाथ पेपर है। जो टेक्निकल है नॉन टेक्निकल पर्सन जो डॉक्टर है वो भी कंप्यूटर के सामने है, जो टेक्निकल पर्सन है वो भी कंप्यूटर के सामने है। यहाँ पे कितने लोग हैं उनको हेडेक की तकलीफ है, देखो सिम्टम आपको पता है, स्टैटिस्टिक्स क्या है बोले तो आपका सिम्टम दिखाई देगा। यहाँ पे कितने लोग हैं उनको स्लीप का प्रॉब्लम है, नींद का प्रॉब्लम कितने में रहते, ठीक है। आपका ज्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा मैं, योगा में एक कॉन्सेप्ट आता है पंच कोश और पंच प्राण, महाराज जी उसके बारे में थोड़ा ज्यादा बताएंगे आपको, मैं थोड़ा ही बताऊंगा आपको। पंच प्राण और पंच कोश ऐसा प्रतिदिन मानना है कि हमारे बॉडी में पांच वैरायटी के बॉडीज रहेंगे। एक हो गया आपका फिजिकल बॉडी जो आपको दिखता है, स्थूल शरीर जो आपको दिख रहा है आपके सामने खड़ा, स्थूल शरीर एक्सेप्टेबल है, इसको बोलेंगे अन्नमय कोश, जो अन्न से बना है, जो फूड से खाने से बना है। दूसरा वाला प्राणमय कोश, ये तो वाइटल एनर्जी बॉडी, जो आपके हार्ट बीट कर रहा है, आपका ब्रीदिंग हो रहा है, आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा है, आपका किडनी फिल्टर कर रहा है, आपके बॉडी में कुछ एक ऐसा प्राण शक्ति है जो आपको जिंदा बचाए रखा है, उसको हम लोग बोलेंगे प्राणमय कोश। दो हो गए, तीसरा वाला हो गया मनोमय कोश, आपका मन, हर एक आदमी का मेंटल स्टेटस अलग है, इमोशनल स्टेटस अलग है, कोई आदमी बहुत सेंसिटिव इमोशंस है, कोई उसको ज्यादा इमोशन पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा सेंसिटिव लीडर से गुस्सा हो जाता है, कोई बहुत शांत रहता है, हर एक व्यक्ति का इमोशन अलग अलग है। तो थर्ड बॉडी हो गया इमोशनल बॉडी, मनोमय कोश एक्सेप्टेबल है। चौथा हो गया विज्ञानमय कोश इंटेलेक्चुअल बॉडी, जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये आपको सोच रहे हैं यार ये क्या बता रहे हैं डॉक्टर, हमको दिमाग खा रहा है, फिजिकल बॉडी बताया, वाइटल बॉडी बताया, इमोशनल बॉडी बताया, चौथा होना है इंटेलेक्चुअल बॉडी। इंटेलेक्चुअल बॉडी जो आपको सूझबूझ आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मजबूर करता है, वो कोई व्यक्ति कंप्यूटर में हिम्मत आ गया है, कोई व्यक्ति होम्योपैथी में आ गया है, कोई व्यक्ति आयुर्वेद में आ गया है, वो कंटेंट का नॉलेज उनमें ज्यादा है, उसका इंटेलेक्चुअल बॉडी विज्ञान में कोश। लास्ट वाला हो गया आपका एनी गेस आनंदमय कोश, हर एक व्यक्ति किसी का भी कोई भी रिलीजन का हो वो एक ही चीज चाहता है अपने लाइफ में, सुख प्राप्ति दुख का निवृत्ति, मुझे खुशी चाहिए और मुझे स्ट्रेस टेंशन वरीज दुख का नहीं चाहिए, एक ही सुख प्राप्ति दुख का निवृत्ति। हर एक आपका लाइफ में वो कुछ भी हो, ये काम कर रही है वो काम कर रहा हूँ इसलिए वो मुझे खुशी देगा, मुझे थोड़ा पैसे देगा, पैसे है मेरे फैमिली को देखभाल कर सकते हैं, तो समथिंग लाइक दिस। हर एक व्यक्ति का कोई भी हो सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति। तो योगा में हम लोग इंटीग्रेटेड मेडिसिन में क्या करते हैं, हर एक बॉडी के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए आसना है, डाइट मॉडिफिकेशन है, मसाज के टेक्निक है, एक्यूपंक्चर के टेक्निक है, एक्सरसाइजेस है, आसना है, तो फिजिकल बॉडी के लिए मेडिसिन है। एलोपैथी में हम लोग मेडिसिन लेते हैं बॉडी के लिए, डायबिटीज है डायबिटीज का मेडिसिन ले लो, बॉडी के लिए हो रहा है कुछ, आपको कुछ गांठ वांठ कुछ हुआ है मेडिसिन से कम नहीं हो रहा है, सर्जरी करना पड़ेगा, तो फिजिकल बॉडी के लिए करते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट्स एक ही कॉन्सेप्ट में हम लोग ऐड कर सकते हैं फिजिकल बॉडी में। दूसरा हो गया वाइटल बॉडी, आपका ब्रीदिंग कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, कुछ मुद्रा कर रहे हो, मैं आपको कुछ मुद्रा भी सिखाऊंगा, तो आपके प्राण शक्ति को बढ़ाने का एक प्रयत्न है। अरे प्राण शक्ति क्या है आपको पता नहीं,
मेडिकली स्पीकिंग ऑक्सीजन, सबको पता है ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन को हम लोग प्राण शक्ति बोलते हैं। इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक आपका 2 मिनट लूंगा, 5 प्राण, 5 हमारे बॉडी में, 5 बॉडी तो आपका हो गया, अभी पक्का हो गया ना, 5 प्राण है। पहला वाला है उदाना, अपवर्ड मूवमेंट है, आप सीख रहे हो, खांसी कर रहे हो, उल्टी कर रहे हो, बात कर रहे हो, थूक रहे हो, यॉनिंग कर रहे हो, वो सब ऊपर की तरफ आता है प्राण, सही है ना, उदान प्राण। सेकेंड हो गया अपान प्राण, अपान प्राण जो नीचे की तरफ जाए, आपका बॉडी से गैस छोड़ रहे हो, यूरिनेशन कर रहे हो, डिफिकेशन कर रहे हो, सेक्सुअल एक्टिविटी हो रहा है, वुमेन में जो प्रेगनेंसी है मतलब मंथली साइकिल से, ये हर एक प्राण नीचे ही जाएगा, नीचे ही जाना है, नीचे जाए तो ही नॉर्मल है, ऊपर आए तो अबनॉर्मल, वो सही नहीं है। उदान प्राण अपान प्राण। तीसरा हो गया समान डाइजेशन, आपको डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा। चौथा हो गया महाप्राण ब्रीदिंग। पांचवा हो गया व्याना, व्याना का मतलब है बॉडी सेंसेशन, आपके फुल बॉडी में जो जो सेंसेशन है, हॉट कोल्ड सेंसेशन, आपको बॉडी पे किसी ने पिंच किया आपको फील होगा, हर एक टच का सेंसेशन, प्रेशर का सेंसेशन, ये सारे चीज व्याना होगा। उदान अपवर्ड, अपान डाउनवर्ड, समान बैलेंसिंग, महाप्राण ब्रीदिंग, व्याना बॉडी सेंसेशन। देखो योगा में भी महाप्राण बताए हैं, मेडिकल में भी हम लोग बताए ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर बॉडी, सही है। तो इसके हिसाब से मेडिकल योगा में आपको अभी जो आप सीखने जा रहे हो, हर एक योगा इंस्टीट्यूशन में अभी अभी इस मोमेंट में आज के लिए क्या कर रहा है, उसमें सबसे अलग, सबसे न्यू, सबसे इनोवेटिव कॉन्सेप्ट अभी हम लोग आपको शेयर करेंगे। हर एक हर अभी आप सुबह से शाम तक देख रहे हो, नाड़ी शोधन प्राणायाम आएगा, लेफ्ट साइड चंद्र अनुलोम विलोम आएगा, राइट साइड सूर्य अनुलोम विलोम आएगा, कपालभाति आएगा, योगा का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा आपको सिखाएंगे जो आप घर में भी कर सकते हो, ये हम लोगों ने बनाया है नागराज और हमने 6 महीने टाइम लगा इसको इनको बनाने के लिए। अभी आपने एक्सेप्ट किया कि महाप्राण ब्रीदिंग है और ऑक्सीजन आपके बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेस आपके बॉडी में माइंड में है, तो स्ट्रेस 70% आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स, जो फर्स्ट टाइम आप डॉक्टर के पास जाते हो 70% सारे प्रॉब्लम्स स्ट्रेस के साथ में रिलेटेड है, 70% बहुत ज़्यादा है, प्रमाण ज़्यादा है, स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब है क्या है, स्ट्रेस को कंट्रोल में किए तो बहुत से ज़्यादातर फिजिकल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने ऐसे बनाया कि सांस का टेक्निक यूज करेंगे और कुछ मुद्राएं यूज करेंगे, हैंड का जैसे 2 कॉमन मुद्रा हम लोग करते हैं, हर टाइम हर कोई करता है, एक तो है नमस्कार मुद्रा करते हैं ना, साइंटिफिकली बता रहे थे नमस्कार में क्या हो रहा है, मेरे दोनों हाथ जुड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड के ब्रेन एक्टिविटीज, राइट ब्रेन एक्टिविटीज, लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटीज सिंक्रोनाइजेशन होगा, तो हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं हेमिस्फेरिकल सिंक्रोनाइजेशन, जो आपका राइट ब्रेन का एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी, लेफ्ट ब्रेन का एनालिटिकल एक्टिविटी दोनों साथ में, तभी रखना। ऐसे हम लोग कुछ मेडिकल एंगल से, नहीं तो साइंटिफिक एंगल से सोच रहे तो कितना हाथ हुआ, कोई करता है भगवान के सामने ऐसे जाके ऐसे ऐसे करते हैं, पता है आपको साउथ में थोड़ा ज्यादा होता है, उसको भी बोलते हैं गणेश मुद्रा, स्ट्राइकिंग टेक्निक। इसमें कहीं पर रिसर्च हुआ है, आपको कहीं भी व्हाट्सएप पे भी कहीं पर आपको वीडियो दिखा होगा, इसमें भी आपका बाइस्फेरिकल सिंक्रोनाइजेशन ज्यादा होगा, आपका अटेंशन स्पैन ज्यादा होगा, आपका फोकसिंग एबिलिटी ज्यादा होगा, आपका मेमोरी रिटेंशन ज्यादा होगा, रिसर्च हुआ है, रिसर्च बताता है। तो मेडिकल योगा का महत्व इतना है कि साइंटिफिकली हम लोग बताएंगे आप अडॉप्ट करो, हर एक डिसीज के लिए अलग अलग वराइटी है, आस्था इसमें बहुत ज्यादा ट्रेंड है हमारे साथ में, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी के साथ में भी उन्होंने पढ़ा है, और ये इसका आपको यूटिलाइजेशन आपको करना है। अभी हम लोग टेक्निक करेंगे, आप करने के लिए रेडी हो, ठीक है, हाथ को ऐसे कीजिए थम्स अप, इसको आपको एक मुद्रा यूज करना हो उसको मैं बताऊंगा, दूसरे हाथ के 4 फिंगर्स को ऐसे होल्ड कीजिए, नीचे निचले 4 फिंगर्स को छोड़ दीजिए, इस हैंड को बेंड करके
नकल एरिया में, इसको नकल बोलते हैं, नकल एरिया में ऐसे टच करना, आपके थंब को मिडिल फिंगर को टच करना है, धीरे से ट्विस्ट करना है, छाते के सामने लगाना है, कैसे दिख रहा है, शंख के आकार में दिख रहा है, सही है, शंख के आकार में दिख रहा है, शंख मुद्रा, मुद्रा तीन यूज करता हूँ, और एक साइंटिफिक रीजन ये कि हाथ में नंबर ऑफ रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा है, योर हैंड्स कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसेप्टर्स कंपेयर टू एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, उसको हम लोग मेडिकली बोलते हैं मोटर होमनकुलस, हर एक मिलीमीटर के एरिया में आपके बॉडी के रिसेप्टर है, क्या रिसेप्टर, पेन को सेंस करने का रिसेप्टर, टच को सेंस करने का रिसेप्टर, हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन को रिसीव करने का रिसेप्टर, प्रॉपर रिसेप्शन, ऐसे मूवमेंट किए तो मैं आंखें बंद करके भी ऐसे मूवमेंट किए तो भी मुझे पता है कि मेरा फिंगर कहाँ पे किस डायरेक्शन पे मुड़ा है, इसका सेंसेशन मेरे ब्रेन पे जाता है, लेफ्ट हैंड का राइट ब्रेन में, राइट हैंड का लेफ्ट ब्रेन में, तो हर एक मिलीमीटर के डिस्टेंस में रिसेप्टर्स है बॉडी में, हर 10 मिलीमीटर के डिस्टेंस में रिसेप्टर, तो हाथ का यूटिलाइजेशन मैं कुछ बॉडी के पार्ट को एक्टिवेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसे एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग एक छोटा सा रिसर्च का भी सोच रहे हैं कि मुद्रा योगा एंड एफएमआरआई स्टडी, फंक्शनल ब्रेन एमआरआई, कौन से एक्टिविटीज होते हैं, अभी ज्यादा आपका दिमाग नहीं कहूँगा, हम लोग करेंगे थम्स अप, चार फिंगर खुले कैसे होल्ड करना है, नीचे के फोर फिंगर्स को छोड़ दीजिए थम्स को, और मिडिल फिंगर को टच करना है, ट्विस्ट करके छाती के सामने होल्ड करना है, ये हो गया शंख मुद्रा, आप ऐसे ही पकड़े रहो और एक दो मिनट आपको बोलूंगा, जब भी आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो आपका सांस कैसे रहेगा, फास्ट फास्ट रहेगा, इरेगुलर रहेगा, अबनॉर्मल रहेगा, आप अनकंफर्टेबल फील करते हो जब भी आप गुस्से में जा रहे हो, तो आपके एंगर के साथ में फास्ट ब्रीदिंग जुड़ा हुआ है, जब भी आप रिलैक्स होते हो आपका ब्रीदिंग भी रिलैक्स रहता है, इसका मतलब ये है कि आपका सांस के साथ में आपका इमोशन जुड़े हुए हैं, तो यही कॉन्सेप्ट में मैं ब्रीदिंग के ऊपर वर्कअप करके इनडायरेक्टली इमोशंस को कंट्रोल करने का प्रयास है, इनडायरेक्टली इमोशंस कंट्रोल करके स्ट्रेस को कम करने का प्रयास है, स्ट्रेस कम किए तो डिसीज से फाइट करने का क्षमता बढ़ेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट यह है, चार सेकंड सांस लेना है, चार सेकंड सांस को रोकना है, चार सेकंड सांस को छोड़ना है, 4-4-4 टेक्निक का नाम विथ शंख मुद्रा, मैं बाद में आपको आपके डिसीज के हिसाब से मुद्रा चेंज करता हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, 4-4-4 एक काउंट हो गया, ऐसे हम लोग 10 काउंट अभी करेंगे, आंखें बंद करेंगे, चार सेकंड सांस लेना है, आपके मन को माइंड को लॉक कर रहे हैं कहाँ पे, काउंटिंग ऑफ ब्रीदिंग में, सांस का काउंट कर रहे हैं तो आपका माइंड लॉक रहेगा, दूसरे जगह पे नहीं जाएगा, मुझे खाना है, मुझे कहीं पे बाहर जाना है, मेरे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, ऐसे विचार में नहीं जाएगा आपका माइंड, अभी हम लोग 10 काउंट करेंगे और आप एहसास करेंगे, एक चैलेंज है आपको, आप टेक्निक अच्छा कर रहे हो, सही कर रहे हो तो आपको कोई भी दूसरे विचार नहीं आएंगे, आप टेक्निक ठीक नहीं कर रहे तो विचार आएंगे, ठीक है, हम लोग छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको छाती के सामने लगा के रखिए, लंबा सांस लेना है, सांस को रोकना है, सांस को धीरे से छोड़ना है, ब्रीद इन, होल्ड योर ब्रेथ, ब्रीद आउट, सांस लेना है अप्रोक्सीमेटली 4 सेकेंड के लिए, सांस को रोकना है 4 सेकेंड के लिए, सांस को छोड़ना है 4 सेकेंड के लिए, ये कंटिन्यू कीजिए, यही प्रक्रिया को कंटिन्यू कीजिए, लंबा सांस लेना है, सांस को रोकना है, सांस को धीरे से छोड़ना है, लंबा सांस लीजिए, सांस को रोकिए, सांस को धीरे से छोड़िए, कंटिन्यू, लंबा सांस लीजिए, सांस को रोकिए, सांस को धीरे से छोड़िए, ब्रीदिंग इन, hold your breath, breathing out, breathing in, hold your breath, breathing out, keep your eyes closed, breathing in, hold your breath, breathing out, breathing in, hold your breath, breathing out,
सांस को लेना है, सांस को रोकना है, सांस को धीरे से छोड़ना है, और एक तीन काउंट, सांस को लेना है, सांस को रोकना है, सांस को धीरे से छोड़ना है, और एक लास्ट टाइम, सांस को लेना है, सांस को रोकना है, और धीरे से सांस को छोड़ना है। उतने ही आराम से, उतने ही धीरे से आपके आंखों को ओपन कीजिए, और धीरे 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 करके हाथ को, उंगलियों को छोड़ दीजिए। आपके हाथ के बीच में और उंगली के बीच में थोड़ा गर्माहट महसूस हो रहा है, वो एग्जाम्पल है, वो रिसर्च है आपके लिए कि आपके बॉडी के एनर्जी को, प्राणा शक्ति को आप चेंज कर सकते हो। और ऐसे ही चेयर के जैसे बहुत प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो सूख जाएगा। एग्जाम्पल कैसे कैसे एग्जाम्पल देखो, कैसे हम लोग एग्जाम्पल, अभी आपको कुछ अभी एक्सीडेंट हुआ है उसी को लेके हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। कोई भी स्ट्रेस को कैसे बोल सकते हैं हम लोग, एस स्ट्रेस इज इक्वल टू मोर पी, प्रेशर ज्यादा है रिसोर्स कम है, एस इज इक्वल टू पी मोर देन रिसोर्स। चेयर आपने बैठा उसमें प्रेशर ज्यादा हो, कुछ टूटा हुआ होगा पहले से वन ऑफ द साइड, जहाँ पे बॉडी में भी आपको स्ट्रेस ज्यादा है तो स्ट्रेस कहीं पे जाएगा। और एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल है प्रेशर कुकर, आपका आपको बॉडी को माइंड को प्रेशर कुकर समझो, जो नीचे जो गैस का जो चूल्हे का आग रहता है, आपके लाइफ के स्ट्रेस का क्राइसिस है, लाइफ इवेंट्स स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ इवेंट्स, आपका नीचे का आग है जो प्रेशर कुकर आपका बॉडी एंड माइंड है। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स विथ दैट हीट, तो आपके ऊपर वो जो क्या होता है सीपी रहता है ना, सीपी लगा है, वो अंदर प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन कहीं पे बाहर नहीं जा रहा है, क्या होगा, इमोशनल वेंटिलेशन नहीं हो रहा है। देखो योगा का भी आया, साइकोलॉजी की भी टेक्निक आ रहा है, और फिजिकल बॉडी मेडिकल का भी टेक्निक आ रहा है, बस इसलिए हम लोग कॉल करते हैं इसको मेडिकल योगा आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन। तो मैं क्या बता रहा था, सिटी में प्रेशर अंदर से बिल्डअप हो रहा है, नीचे का लाइफ का जो इवेंट हो तो थमेगा नहीं, आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मुझे लाइफ का फाइनेंशियल प्रेशर कम करो, नहीं कर सकते, आपका प्रेशर ज़्यादा हो रहा है मैं उसका प्रेशर कम करो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको एक छोटा सा चित्र भी दिखाऊंगा, आप समझ रहे हैं ना, प्रेशर कुकर इफेक्ट ऑन द बॉडी, जो ये ज्यादा प्रेशर है तो कहाँ पे जाएगा, स्टमक को टारगेट किया तो स्टमक में गया तो गैस्ट्राइटिस, स्टमक का एसिडिटी बढ़ेगा। सेम पेन आपके नेक में गया तो अर्ली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, नेक पेन, शोल्डर पेन, रेपिजियस मसल्स में स्वाहन, एक यही स्ट्रेस प्रेशर आपके पीठ में गया तो बैक पेन, सेम प्रेशर आपके ब्लड वेसल्स में जा रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर, सेम प्रेशर आपके लीवर से है तो आर्टिनल ग्लैंड से स्टिमुलेट होकर आ रहा है तो ब्लड का ग्लूकोज बढ़ेगा, ब्लड का ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ रहा है तो छोटे से टाइम पे है तो बॉडी संभलेगा, ज़्यादा टाइम पे हो रहा है तो डायबिटीज, कनेक्ट कर पा रहा है ना, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टेक्निक मैं आपको बताया, 444 टेक्निक का नाम है, उसके साथ में शंख मुद्रा 20 बार सुबह को 20 बार शाम को फर्स्ट वन मंथ, मैं मेडिसिन के जैसे लिख के देता हूँ, टैबलेट ये वाला टैबलेट ले लो सुबह को एक शाम को एक 5 दिन के लिए, ऐसे में ब्रीदिंग टेक्निक 4-4-4 ब्रीदिंग टेक्निक का नाम शंख मुद्रा 20 टाइम्स मॉर्निंग 20 टाइम्स इवनिंग फॉर फर्स्ट वन मंथ, ये बहुत ब्रिलियंट टेक्निक है, आप नोट डाउन करो चाहिए तो। सेकेंड मंथ में सांस का टेक्निक ज्यादा करो, कम है 6 सेकेंड्स ब्रीदिंग इन 4 सेकेंड्स होल्डिंग द ब्रेथ 6 सेकेंड्स एक्सहेलेशन। मैं स्ट्रेस का आपको बताया था, तो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ओपन सम लिंक,
स्ट्रेस को सिंपल फॉर्मूला है, ये तो टेक्निकल कुछ नहीं चाहिए. स्ट्रेस इज इक्वल टू मोर प्रेशर, कोई भी प्रेशर हो, फाइनेंशियल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, रिलेशनशिप प्रेशर, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड डिसीज का प्रेशर, प्रेशर ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है. ये जो टेक्निक आपको बताया मैं क्या कर रहा हूँ, रिसोर्सेज को ज्यादा कर रहा हूँ. कौन सा रिसोर्स है? ऑक्सीजन कैपेसिटी. ऑक्सीजन कैपेसिटी रिसोर्स ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम हो रहा है तो स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम हो रहा है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी कम होगा, डिसीज का बढ़ने से रोक सकते हैं. थोड़ा ही मेडिसिन से डायबिटीज कंट्रोल में आ रहा है, सही है, काफी है. मेरे लिए इंसुलिन का मात्रा कम हो रहा है, काफी है, दिस इज गुड. ये एक चित्र मैं हमेशा यूज करता हूँ. हम बॉडी को हम लोग बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. जब भी आप एकदम से बॉडी को माइंड को तकलीफ दोगे तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा. स्ट्रेस में आके हार्ट बीट ज्यादा करेगा, ब्रीदिंग ज्यादा करेगा, आपका मसल्स का टेंशन ज्यादा करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के प्रमाण ज्यादा होगा और आप अलर्टनेस बहुत ज्यादा अलर्ट होगी, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा. समझो कि आप इतना कंफर्टेबली बैठे हो सब लोग, एकदम से एक बहुत बड़ा सा सांप गिर गए, कैसे लगेगा? जो आपके बॉडी में आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो टेक्निक है बॉडी में इनबिल्ट बनाया हुआ, वो एक्टिवेट होगा. इससे हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो हम लोग फाइट और फ्लाइट बोलेंगे. मैं कुछ रिस्पॉन्स में आ रहा है तो आइदर मैं फाइट करूंगा माइंड मेंटली नहीं तो फिजिकली, मैं तो वहां से भाग जाऊंगा. बाहर की बॉडी नॉर्मल हो गए तो सब ठीक, सब ठीक, नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल. नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम. अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ब्रीदिंग टेक्निक, फोर टेक्निक, एक कोपिंग स्किल है. आपको आपके बॉडी के रिसोर्सेज को ज्यादा करने के लिए, माइंड के रिसोर्सेज को ज्यादा करने के लिए टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ. तो टेक्निक से रिलैक्सेशन मिलेगा और आपका बॉडी माइंड नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना? एक्सेप्टेबल है ना? तो आप वॉकअप नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस बढ़ रहा है. स्ट्रेस इज इक्वल टू मोर प्रेशर लेस रिसोर्स. आपने जो अभी देखा स्ट्रेस का, वो प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर. बॉडी का, माइंड का आपका रिसोर्स घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, रिसोर्स घट रहा है. एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉडी एग्जॉस्टन में जाएगा. बॉडी माइंड एग्जॉस्टन में गया तो तब डिसीज आना शुरू हो जाएगा. स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो इम्यूनिटी लो होगा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो अर्ली ट्रिगर फॉर डायबिटीज होगा, स्ट्रेस ज्यादा है तो इन्फेक्शन का लेवल बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रेस ज्यादा है तो बैक पेन, नेक पेन, बॉडी एक्स ज्यादा होगा, स्ट्रेस ज्यादा है तो आपका अलर्टनेस ज्यादा होगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सिम्टम्स, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स के प्रॉब्लम ज्यादा होगा. सेंसिटिविटी ज्यादा है, कोपिंग स्किल्स नहीं है. उसके बाद में डिसीज आएगा. डिसीज आने के बाद में फिर डॉक्टर, एम्स अभी यहाँ पे, डिसीज आने के बाद में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हम लोग आए, कह रहे डॉक्टर साहब ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हो गया. तो हम लोग अभी ये माई एम का हिसाब क्या है, यहीं पे कंट्रोल करो जितना हो सके, कोपिंग स्किल्स सीख लो, ये कोपिंग स्किल्स को कम करो. ये समझ में आ गया आपको? फर्स्ट टेक्निक 4-4-4, 20 times मॉर्निंग, 20 times इवनिंग, पहले एक मंथ के लिए. सेकेंड मंथ में 6 सेकेंड सांस लेना, 4 सेकेंड सांस को रोकना, 6 सेकेंड सांस को छोड़ना, 20 बार सुबह को, 20 बार शाम को. थर्ड मंथ ऑनवर्ड्स 6 सेकेंड सांस लेना, 6 सेकेंड सांस को रोकना, 6 सेकेंड सांस को छोड़ना, 20 बार सुबह को, 20 बार शाम को, 3 से 6 महीने. आप जो जो लोग एनरोलमेंट करना चाहते हो हमारे डॉक्टर साहब से एनरोलमेंट कर लो. आपका स्पायरोमेट्री चेक करो, आपका लंग वॉल्यूम कितना, एयर फूक सकते हो, एक छोटा सा मशीन आता है स्पायरोमेट्री बोल के, जितना आप एयर फूक सकते हो 3 बार लेंगे उसका एवरेज निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल 240 ml है, जितना तक आप एयर को ऐसे फूक सकते हो तो 3 महीने के बाद में आपका कितना है थोड़ा बढ़ेगा. ये सेम टेक्निक से आपका बढ़ेगा, आप रिसर्च करके देख लो, है ना? तो ये वाला हमारा पहला टेक्निक है महाप्राण को इंक्रीज करने के लिए, ब्रीदिंग को इंक्रीज करने के लिए. एक्सेप्टेबल है? छः सेकेंड सांस लेना, 4 सेकेंड सांस को रोकना,
सेकंड सांस को छोड़ना, थर्ड मंथ में छह छह छह, तो ऐसे धीरे धीरे करके ब्रीदिंग को इम्प्रूव करना। जिसका एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है, उसका बहुत ज्यादा है आता है, ब्रेथ को रिकॉग्नाइज करने की वजह से उनका माइंड थॉट्स भी कंट्रोल आता है। तो मैं एग्जाम्पल आपको बताया, एंगर फास्ट ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन नॉर्मल ब्रीदिंग, है ना। अभी और एक टेक्निक करेंगे हम लोग छोटा सा, आपके पास समय हो तो 10-15 minutes to 20 minutes लगेगा करेंगे। बहुत ये तो मेरा सुनने का नहीं है, बहुत जस्ट रिलैक्स करने का है। तो नेक्स्ट टेक्निक का नाम है JPMR, जैकॉब्सन्स प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक। जैकॉब्सन एक कनाडा का फिजिशियन था, उसको योगा में बहुत 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 इंटरेस्ट था, स्पेशली योग निद्रा में। योग निद्रा के सारे टेक्निक्स को अडॉप्ट करके ये मेडिकल डॉक्टर ने अपने पेशेंट्स के ऊपर 3,920 पेशेंट के ऊपर रिसर्च किया। इसमें क्या रिसर्च है, इसमें मस्कुलर रिस्पॉन्स, आपका मसल टाइटनेस और रिलैक्सेशन उतना ही है, और कुछ नहीं है। रिलीजन कुछ नहीं है, होम कुछ नहीं है, जिसको होम होम का तकलीफ होता है। हमारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि योगा रिलीजन को सिखाता है, नहीं। योगा इटसेल्फ इज द यूनिवर्सल, आयुर्वेद इटसेल्फ इज यूनिवर्सल। उसमें क्योंकि वो इंडिया में ही बना है, उसका थोड़ा सा कंटेंट रहेगा, वो रिलीजन नहीं है। ये यूनिवर्सल अप्लीकेबल कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल तथ्य है, तो उसको एक्सेप्ट करें नहीं करें आपके ऊपर डिपेंड है। साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल मैनर में बोल रहे तो माय योगा माय एम के हिसाब से बोल रहे थे, एक्सेप्टेबल करना ही है। तो जैकॉब्सन का स्टोरी बता रहा था मैं, जैकॉब्सन योग निद्रा को लेके अपना एक टेक्निक बनाया उसने, जैकॉब्सन प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक। वर्ल्ड वाइड में 80% से ज्यादा साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट इस टेक्निक को यूज करते हैं। इसके लिए मेनली बीपी को कम करने के लिए, मसल टाइटनेस को रिलीज करने के लिए, हेडेक के लिए बहुत कारीगर है, एंग्जाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स के लिए बहुत कारीगर है। ये आपको अपने आप पढ़ना है, JPMR, जैकॉब्सन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब वन आफ्टर अनदर, मस्कुलर मसल्स स्नायु रिलैक्सेशन विश्रांति टेक्निक करेंगे। यस सर, हम लोग करेंगे। ये आपको थोड़ा ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है पता है, लेकिन फिर भी आप जस्ट एक 15 मिनट के लिए आप थोड़ा ये फोकस आपके चेयर के एज को आके बैठना है। सिंपल है, 5 सेकंड के लिए मसल्स को टाइट करना है, 5 सेकंड के लिए मसल्स को ढीला करना है, बस इतना ही। 12 से 13 स्टेप्स आएगा, हर एक इस साइड का पूरा में इस साइड का पूरा में दोनों को टाइट करना है और ढीला छोड़ना है, बाइसेप को दोनों साइड टाइट करना है, ढीला छोड़ना है, इतना ही करेंगे। ये पूरा टेक्निक करने से काम देखना है मुझे, बाद में जब आप घर में करते हैं तो उसको सुन के करना है, ठीक है। हम लोग करेंगे आपका पैसे के लिए मैं कभी सॉफ्टवेयर है राइट।
2, 3, 4, 5 रिलैक्स रिलैक्स करते हैं। जब टाइट करते हैं टाइटनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, जब जब ढीला छोड़ते हैं रिलैक्सेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। फोकस योर अटेंशन ऑन योर एंकल्स, मेरे एंकल्स का एरिया ढीला हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, ऐसे सोचना है और फील करना है। नेक्स्ट, मेरे काफ मसल्स, नी कैप, घुटनों के आजू बाजू के जो स्नायु है वो गुस्सा हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, ढीला हो रहे हैं, कोई भी टेंशन कोई भी टाइटनेस जहां कहीं पे भी हो वो कम हो रहा है। नेक्स्ट, आपके थाइस,
के मसल्स और बटक्स के मसल्स ढीला कर रहे हो, ढीला छोड़ रहे हो, कुछ बैक पे है, मसल्स क्रैम्प है, वो कम होगा. रिलैक्स योर क्वाड्रिसेप्स मसल्स एंड बटक्स. रिलैक्स योर एंटायर लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द वेस्ट टिल द टिप ऑफ योर टोज. धीरे से ये रिलैक्सेशन के वेव को, लेट दिस वेव ऑफ रिलैक्सेशन पास ऑन टू योर एब्डोमेन. आपका पेट के स्नायु ढीला हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ऐसे महसूस कीजिए. आपके पेट में जो अंगांग हैं, ऑर्गन्स हैं, उसको बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है. मेरा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन अच्छा है, ऐसे सोचना है. माई ऑर्गन्स ऑफ माई स्टमक आर गेटिंग गुड ब्लड सप्लाई. जो भी रिपेयर का काम है, जो भी रिज्यूनेशन का काम है, वो इस रिलैक्सेशन के फेज में हो रहा है. धीरे से आपके फोकस को डायफ्राम मसल्स के ऊपर डालना है. एक मसल आता है वो आपके चेस्ट कैविटी और अब्डोमेन कैविटी को सेपरेट करता है. जब आप सांस लेते हो आपका पेट आगे की तरफ खुलता है, जब आप सांस छोड़ते हो आप पेट अंदर की तरफ जाता है. वो डायफ्राम मसल्स का अवेयरनेस उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए. एंड आई एम ब्रीदिंग, अब्डोमेन मसल्स आउट. When I breathe out, abdomen sits in. Next, मेरे chest area में lungs और heart अच्छा काम कर रहा है. आपके lungs पूरे शरीर में oxygen दे रहा है और इस प्रक्रिया की वजह से मेरे oxygen मेरे बॉडी को लिफ्ट कर रहा है और मेरे हार्ट के बीटिंग की वजह से हर एक जीव कोश को, हर एक ऑर्गन को अच्छा ब्लड मिल रहा है. धीरे से आपके पूरे हाथ, फोरआर्म, आर्म्स, शोल्डर्स पूरा ढीला हो रहा है, ऐसा महसूस कीजिए. आपके नेक मसल्स, आपका हेड, पूरा शरीर सर से पांव तक ढीला हो रहा है और आप एक शांत स्थिति में अपने बॉडी को एक ऐसे स्थिति में लेके जा रहे हो कि आपका बॉडी का फ्रिक्वेंसी हीलिंग फ्रिक्वेंसी बन जाएगा. आपका बॉडी हील होना स्टार्ट होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलैक्स है. तो दिस कंप्लीट्स जैकोबसन्स प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक. धीरे से आपके हाथों को रख दिए, बट योर हैंड्स टुवर्ड्स ईच अदर, मसाज ऑन योर फोरहेड, फ्रंट ऑफ योर ईयर, आईबॉल्स, चिन, चीक, नेक मसल्स, आपके फोरहेड, चीक्स के ऊपर, गले के ऊपर आपको हाथ को फेरना है. और एक बार ऐसे आंखों के ऊपर हाथ रख के और जो हाथ का जो अपना शाखा है उसको आप इन्वाइट करें. धीरे से धीरे ओपन योर आइज वेरी स्लोली टू द न्यू पॉइंट ऑफ रिलैक्स अवेयरनेस. ठीक है, डन. आप थोड़ा रिफ्रेश थोड़ा ले लीजिए. दो टेक्निक बताया आपको, 4-4-4 का एक टेक्निक, जब प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, दो टेक्निक. तो बाद में आप आस्था से पूछ लो, आप यूट्यूब का लिंक आपको दे देंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. अभी आपको ऑलरेडी आता है यूट्यूब का लिंक देंगे, उसका बैटर